बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में फ्लावर बनाने के लिए इस तरह से बड़े साइज़ में 6 मोती हमने दिए हैं और वूल थ्रेड हमने दिया है। इस तरह से थ्रेड के अंदर हम इसको प्रो लेंगे। इस तरह से मोती प्रोने के बाद अब हम इस तरह से नोट लगा देंगे और अच्छे से इसको पक्का करेंगे और इसी थ्रेड से हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से क्रोशिया की मदद से हम इसको बनाएंगे, इस तरह से चैन टांका बनाएंगे। इस तरह से चैन टांका बनाते हुए तकरीबन हम 10 टांके इस तरह से चैन टांका बनाएंगे। 10 चैन हम इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से बनाने के बाद अब हम लंबा टांका लगाते हुए इसकी एक पत्ती सी बनाएंगे। इस तरह से पूरी लेयर पर हम ऐसे ही लंबे टांके लगाते जाएंगे, तकरीबन 20 टांके हम ऐसे ही लगाएंगे। इस तरह से लंबा टांका लगाते हुए तकरीबन 20 टांके हम लगाएंगे और पूरी डोरी पर ऐसे ही लगाएंगे तो एक पत्ती सी बन जाएगी। इस तरह से देखकर ये फ्लावर बनाना बहुत ही इजी है और बना हुआ फ्लावर बहुत ही खूबसूरत है। वीडियो को अंत तक वॉच करना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि मुकम्मल फ्लावर बनाने के बाद बहुत ही खूबसूरत है। इस तरह से लंबे टांके लगाते हुए 20 टांके हम लगाएंगे और इस पूरी डोरी पर लगाएंगे। इस तरह से देखकर ये फ्लावर बनाना बहुत ही इजी। इससे पहले भी मैंने बहुत सी वीडियो क्रोशिया से फ्लावर बनाने के बारे में अपलोड की हैं। इसके अलावा रिबन फ्लावर के बारे में बहुत सारी वीडियो अपलोड की हैं। पूरी डोरी पर इस तरह से लंबा टांका लगाने के बाद ऐसे ही पूरी लेयर से हम इस टांके को निकालेंगे। इस तरह से करते हुए दूसरे मोती के दरमियान में इस तरह से दोबारा से ऐसे ही लंबी चैन बनाएंगे तो ये एक पत्ती सी बन गई है। पूरे मोतियों के साइड पर इस तरह से पत्तियां बनाने के बाद ये